इसका मतलब ये है कि निरामय रहना ज़्यादा कठिन नहीं है। अपने घर में रहो, योगाभ्यास करो, बाहर का खाना उल्टा पुल्टा मत खाओ, तो फिर लोग निरोग रह सकते हैं। तो 3 महीने में ये निकल के आया है। और जिनको कोरोना भी हो गया, उसमें भी जो लोग ठीक हुए हैं, तो कोरोना कोरोना की भी कोई वैक्सीन तो बनी नहीं अभी तक। तो जो ठीक हुए वो कैसे हुए, तो उन सब वो अपनी अनुभूति बताते हैं। बोल जी, योग करते रहे, प्राणायाम करते रहे लेटे लेटे, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि, ध्यान, भ्रामरी, उद्गीत आदि, कि भैया मरना तो है ही, तो चलो ये भी ट्राई कर लेते। तो योग किया और दूसरा ये काढ़ा पिलाया, उसी से ठीक हो गए। तो इसका अभिप्राय ये है कि यदि व्यक्ति मन से संतुष्ट रहें और खुश रहें, प्रमुदित रहें, सुधार्मिक हों, सुधार्मिक मतलब उनके हर आचरण धर्म पूर्वक हों, कहीं भी अधर्म को केंद्र में रख करके कोई काम ना हो, तो फिर व्यक्ति सुखी रह सकता है और निरोगी भी रह सकता है। निरामयो ह्य अरोगश्च, स्वस्थ हैं और ही अरोगश्च, निश्चित रूप से सब अरोगी हैं, अर्थात व्याधियों से मुक्त हैं। दुर्भिक्ष भयवर्जितः, दुर्भिक्ष नहीं है। अकाल पड़ जाता है ना, दुर्भिक्ष मतलब कभी तो अतिवृष्टि हो जाती है, तो कभी तो सूखा पड़ जाता है, अनावृष्टि हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, बैलेंस है पूरी प्रकृति। क्योंकि धार्मिक हैं तो वहाँ पर भी प्रकृति में भी, जैसे हमने अधार्मिक होकर के प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ा, जंगल काट डाले, सीमेंट के बाग लगा डाले, और ये एसी कूलर आदि इसका ज़्यादा यूज करके, व्हीकल्स आदि का यूज कर ज़्यादा यूज करके पर्यावरण को दूषित कर डाला। तो हमने बहुत मतलब अधार्मिक कर्म किए हैं प्रकृति के साथ, तो फिर प्रकृति भी हमें समय समय पे दंड देती रहती है। कभी तो कोई बादल फट जाता है, कभी तो कोई बाढ़ आ जाती है, कभी तो सूखा पड़ जाता है, कभी तो कोरोना आ जाता है, तो कुछ ना कुछ तो दुर्भिक्ष होता ही रहता है। तो श्री राम के राज्य में दुर्भिक्ष का उनको भय नहीं था। दुर्भिक्ष भयवर्जितः, लोग दुर्भिक्ष के भय से मुक्त हैं। न पुत्र मरणम केचिद् द्रक्षन्ति पुरुषः क्वचित्, नार्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। केचित् पुत्र मरणम न द्रक्षन्ति, कितनी बड़ी बात है कि कोई भी पिता अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखता है, क्योंकि ये किसी पिता के लिए सबसे बड़ा मतलब ये कष्ट होता है कि उसको अपने पुत्र को कंधा देना पड़े। तो फिर उनका बेचारों का कोई जीना तो नहीं रह जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं। कभी तो सेना में ऐसे जवान जवान बच्चे शहीद हो जाते हैं, और फिर जब उनका शरीर, पार्थिव शरीर जब घर लाया जाता है और पिता को कहा जाता है कि आप संस्कार करो, तो मतलब वो पिता का जो करुण हालत है वो देखी नहीं जाती है। तो ऐसी व्यवस्था उस समय थी श्री राम के राज्य में कि कभी कोई भी पिता अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखता था। तो इस तरह का ना तो कोई रोग होता था, सब निरोगी होते थे, सब दीर्घ जीवन वाले होते थे, तो इस तरह की कोई दुर्घटनाएं भी नहीं घटती थी। तो इसलिए एक कालक्रम से जो मृत्यु आती है, तो निश्चित रूप से वो पहले पिता को ही आएगी, पुत्र को आएगी ही नहीं। तो बहुत बड़ी बात है ये। न केचित् पुत्र मरणम द्रक्षन्ति, कोई अपने पुत्र की मृत्यु को नहीं देखते थे। न केचित् पुरुषा क्वचित्, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पुत्र के मरण को नहीं देखता था। न आर्यश्च अविधवा, कोई अनार्य नहीं था। न आर्य, अनार्य अर्थात सब आर्य थे। तो कुछ लोग ये कह देते हैं ना, ये आर्य लोग तो वहाँ से आए, वहाँ से आए, ऐसे जो कह देते हैं, तो आर्य का मतलब ये कोई जाति विशेष नहीं है, श्रेष्ठ लोगों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है।
नार्य न चा विधवा। कोई भी अनार्य नहीं था, माने सब आर्य थे, और स्त्रियां कभी भी विधवा नहीं होती थी। नार्यश्च अविधवा नित्यम। और दूसरा जो है इसका अर्थ ये हो जाएगा, एक तो हो गया न आर्य अर्थात सब आर्य थे, और दूसरा हो जाएगा नारी नारी नारयः। नारी शब्द का बहुवचन में हो जाएगा नारयः। नारयः च अविधवा नित्यम। जो महिलाएं थी वो सदा सुहागिन होती थी, माने उनके पति की मृत्यु भी नहीं होती थी। और कैसी होती थी वो? पतिव्रता नित्यम भवन्ति। माने सब तो कि कहीं भी जो है ये दुष्चरित्रता के जो केस हैं, मतलब आज तो इतनी नीचे आ गई पारिवारिक व्यवस्था भी कि कोई भाई कहीं बाहर सर्विस पे जाता है, काम करने जाता है, ऑफिस आदि में काम करते हैं, और खास करके बड़े शहरों में, और जब वो कभी 1-2 घंटा लेट हो जाते हैं तो कभी कभी तो बोल ही देती हैं महिलाएं कि आप इतनी देर लेट कैसे हो गए, कहाँ थे। और कभी कभी बोलती नहीं है लेकिन मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि कहाँ चले गए, क्यों इतने लेट हो गए। कभी महिलाएं कहीं किसी काम से बाहर जाती हैं तो कभी पुरुषों के मन में शंका हो जाती है कि इतनी लेट कहाँ थी। और कभी कभी तो मतलब ये जो गलत फहमियाँ हैं ये इतनी बढ़ जाती हैं कि परिवार ही टूट जाते हैं। वो कहते हैं आप कहाँ हो, अपना लोकेशन भेजो, और वो लोकेशन भेज के कुछ और दिखा देते हैं, और वो वहीं खड़ी थी जहाँ से वो लोकेशन दिखा रहे थे, वो वहीं खड़ी थी। तो लोकेशन उधर कैमरा करके दिखा दिया और इधर कुछ और चल रहा था, तो वो वहीं जाके कॉलर पकड़ लेती है। फिर बोले अच्छा मेरे को लोकेशन भी गलत भेजने लग गई। तो मतलब रिश्ते जो हैं वो विश्वास के ऊपर टिके होते हैं। यदि विश्वास का धागा कमजोर है तो फिर रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं, टिकते नहीं हैं। तो रिश्ते रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। तो यहाँ महिलाएं कैसी हैं? पतिव्रता। जब महिलाएं पतिव्रता हैं तो पुरुष भी फिर पत्नीव्रती ही हैं। तो कोई इस तरह का शील भंग का, अब ये कितनी बड़ी समस्या है देश में, बलात्कार की, रेप की, अपवित्रता की। मतलब ये केवल अनमैरिड युवक युवतियों के लिए नहीं है ये समस्या, ये मैरिड के लिए भी है। तो ऐसा भी तो एक लाइफ स्टाइल हो सकता है जैसे श्री राम के राज्य में था, कि उसमें ये कितनी मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। नार्यश्च अविधवा नित्यम पतिव्रता च भविष्यन्ति। कभी भी उनके पति की मृत्यु नहीं होती थी उनके सामने, क्योंकि जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो दोनों में से दोनों की ही आयु कम होती है, तो उनमें से कोई एक तो पहले चलेगा ही। और जब झगड़ा नहीं करते हैं, परस्पर प्रीति होती है, तो उससे दोनों एक दूसरे की आयु को बढ़ाने में भी सहयोगी बनते हैं। जब मन प्रसन्न होता है, शरीर निरोग होता है, तो उसी से तो आयु बढ़ती है, और जब मन भी दुखी है, शरीर भी रोगी है, तो उसी से तो आयु घटती है। आगे कहा न चाग्निजं भयं किंचित् नाप्सु मुञ्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचित् नापि ज्वरकृतं तथा। न च अग्निजं भयं किंचित्। आग से कभी किसी को कोई भय नहीं था। तो ये आग से भय नहीं था, इसके लिए उन्होंने क्या प्रबंध कर रखे थे ये यहाँ पर ऐसे कुछ स्पष्ट नहीं है। माने आग लगने का किंचित भी भय नहीं था। तो कोई ऐसी व्यवस्था होगी उस समय घरों की, अग्नि के साथ साथ अग्नि बुझाने की कोई व्यवस्था होती होगी घरों में, या तो फिर अग्नि इतनी उसमें यूज करते होंगे कि जैसे रात को, ये तो हमने भी देखा गाँव में कि सूर्यास्त से पहले ही अपने काम वाम करके सारे, और उसको दबा के रख देते थे अग्नि को, तो सुबह उसी को सुलगा लेंगे। जो भी होगा यहाँ स्पष्ट नहीं है, बस इतना ही है। न च अग्निजं भयम्। किसी भी व्यक्ति को अग्नि से कोई भय नहीं था।
न किंचित अप्सु मज्जन्ति जंतवः, और न ही जल में डूब मरने का भय था, न वातजम भयम न वायु से भय था, और न किंचित अपि ज्वरकृतम तथा बुखार भी नहीं होता था किसी को। ज़्यादा जो त्रासदी आती हैं वो पंचभूतों से ही आती हैं, या तो आग लग जाएगी जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में लग गई थी, उससे पहले यहाँ उत्तराखंड में लग गई थी, 6-7 महीने तक बुझाते रहे, बुझी ही नहीं जंगलों में आग, और यदि उस समय बारिश नहीं होती तो वो आग फिर नीचे बस्तियों में उनको भी जला के राख कर देती, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लग जाती। तो ये या तो पंचभूतों में अग्नि से भय होता है, अग्नि सब कुछ जला डालता है, या फिर जल से होता है, जैसे केदारनाथ में जल जला आया था, जैसे कि पिछले साल बहुत सारे प्रांतों में बाढ़ आ गई थी तो गांव के गांव में बह गए, पशु बह गए। तो या तो जल से फिर हानि होती है, या तो आग से होती है, या फिर वायु से, ऐसे साइक्लोन अभी भी आया था जो मुंबई में और इधर गुजरात में राजस्थान आदि में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी उसने नुकसान किया, तो वायु से होता है। फिर आकाश, आकाश तो कोई कष्ट नहीं देता है, पृथ्वी माता कभी कभी दे देती है जब भूकंप आता है तब, तो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, तो ये जो तीन भूतों का है वो यहाँ पर जिक्र किया है। तो उन्होंने प्रकृति को ही मुझे लगता है कि इतना संजो के रखा हुआ होगा, ऐसा मैनेजमेंट होगा राज्य में कि ना अग्नि का खतरा है और ना वायु का है, क्योंकि इम्बैलेंस होने से पांच भूतों में प्रकृति में जब असंतुलन होता है, कुछ ना कुछ चीज़ को हम घटा देते हैं, कुछ को बढ़ा देते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे विश्व की एक समस्या है, तो ये हमने बढ़ाया है, तो जैसे ही हम प्रकृति में इम्बैलेंस कर देते हैं, असंतुलन पैदा हो जाता है, तो फिर कोई ना कोई त्रासदी आती है, या तो अग्नि की आएगी, या जल की आएगी, या तो फिर वायु की आएगी। तो ये उनके राज्य में नहीं थी, तो ये ऐसे समझ पड़ता है कि शायद यज्ञ याग आदि सब घरों में करते होंगे, योग करते होंगे, कृषि आदि नेचुरल तरीके से होती होगी। तो जब हम प्रकृति को कुछ भी उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो प्रकृति भी फिर हमारी रक्षा करती है। न चाग्निजम भयम किंचित न अप्सु मंजन्ति जंतवः, जल में कोई नहीं डूबते थे, न वातजम भय किंचित अपि, ना कहीं भी वायु का डर था। और करें ये बड़ी बड़ी आपदाओं की तो बात ही छोड़ो, नापि ज्वर कृतम तथा कभी किसी को कोई बुखार आदि भी नहीं आता था, माने छोटे रोग भी नहीं होते थे, बड़े कैंसर आदि की तो बात ही छोड़ो, कितनी बड़ी बात है। अगर आज देश में दोबारा इस तरह का राज्य हो जाए कि सारी प्रकृति पूरा शुद्ध है, लोगों को शुद्ध वायु मिल रहा, शुद्ध जल मिल रहा है, शुद्ध खाने पीने को मिल रहा है, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं है, कहीं कोई रोगी नहीं है, तो कितने लाखों करोड़ रुपए तो औषधियों में, रोगों में खर्च हो जाते हैं देश के हर साल, तो कितना बचाया जा सकता है, वो सारा देश के विकास में लग सकता है। अगर ये कोई भी, अब आज गर्मी के लिए अग्नि का मतलब वो केवल जलाने वाली अग्नि ही नहीं, अब उष्णता इतनी बढ़ रही है कि पहले किसी के घर में वो हाथ से हिलाने का पंखा होता था, ये वाले पंखे भी नहीं होते थे, फिर मुश्किल से ये वाले पंखे लगे, तो फिर उस ये पंखे भी कम पड़ गए, फिर ये भी गर्मी को नहीं रोक पाए, फिर कूलर आई तो वो थोड़ी गर्मी को रोक पाए, फिर कूलर भी फेल हो गई, फिर एसी आई, एसी से अंदर रहे तब तक तो उसने गर्मी को रोक दिया, लेकिन 24 घंटे तो व्यक्ति अंदर नहीं रह सकता है ना, तो फिर बाहर तो जाएगा तब, तो फिर वो जो बाहर वाली गर्मी थी उसको हमने सैकड़ों गुणा और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जिनके पास एसी खरीदने के लिए पैसे नहीं है उनके लिए, तो उनको हमने मुसीबत में डाल दिया, तो ये हमने बैलेंस बिगाड़ दिया। नहीं तो पहले ऐसे इस तरह के मकान बनाते थे, हमने भी अपने पुराने जो दादा परदादा की हवेलियाँ देखी,
तो उसकी जो छतें थी वो बहुत मोटे चूने से बनाई जाती थी, तो उन मकानों में रहते समय गर्मी लगती नहीं है। उनकी दीवारें थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई जाती थी और उसमें वो चूना चूना पीस करके उसकी वो की जाती थी, सीमेंट नहीं था वो, कंकरों को पीस करके। तो वो ऐसे मकान हैं कि उसमें ना कूलर की ज़रूरत है ना एसी की ज़रूरत है, वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में थोड़े उष्णता सी रहती है उनमें। तो ऐसा मैनेजमेंट उस दिन था, तो आज भी तो हो सकता है, तो कितने पैसे बच जाएंगे हमारे। ऐसे ही जल का, जब हम यज्ञ आदि करते हैं तो ये वेद में भी ये मंत्र हैं, निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षत। निकामे निकामे नह, नह माने हमारे लिए, समय समय पे बादल वर्षा करें, क्योंकि ये पंचभूत जो हैं ये सेवक हैं इस आत्मा की। तो आत्मा ऐसे कर्म करे कि जब चाहे तब अपने सेवक से काम करवाई। नाग्नेजं भयं किंचित नाप्सु मञ्जन्ति जन्तव, न वातजं भयं किंचित नापि ज्वरकृतं तथा। तो जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है, जब हम अग्नि की रक्षा करते हैं तो अग्नि भी हमारी रक्षा करती है। अग्नि की रक्षा का अभिप्राय यही है कि घर घर में यज्ञ हों, अग्नि की हम पूजा करते हैं, तो फिर अग्नि भी हमें उसका 100 गुना शुद्ध इन्वायरमेंट करके देती है। पर प्रदूषण को हटाने के लिए सबसे कारगर अगर कोई उपाय है तो वो यज्ञ है। उसमें विशेष प्रकार की औषधियाँ डाली जाती हैं, तो वो फिर कीटनाश भी होता है, तो उससे वायु भी शुद्ध होता है फिर, और अग्नि की भी पूजा करते हैं। तो ना तो अग्नि से, और अग्नि कई प्रकार की है, बाहर की अग्नि है और फिर ये जो जठराग्नि आदि जो शरीर में काम करती हैं वो अग्नि है, फिर कहीं अभीप्सा की, ज्ञान की, योग की अग्नि है, तो वो हर हाल में भोग की भी अग्नि होती है। तो आजकल जो है वो भोग की अग्नि जलाई जा रही है सबको। तो एक तो स्थूल अग्नि हो गई जो मैंने बताया जंगल आदि में आग लगना, और एक ये नाश कर देने वाली कामनाओं की अग्नि है, भोगों की अग्नि है। तो वो हम उस अग्नि को बढ़ा रहे हैं, अग्नि हमें नष्ट कर रही, वो हमें जलाई जा रही है। तो इस तरह का कोई वहाँ पर था नहीं। और न अपसु, निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, ऐसे हम वेद मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि जब हम चाहें तब बारिश हो जाए। कितनी अच्छी बात है। और हमारे यहाँ तो ऐसे खास प्रकार के यज्ञ भी होते थे, वर्षेष्टि यज्ञ ऐसे विधान आता है ग्रंथों में, कि जब किसानों को बारिश की ज़रूरत होती थी तो वो खास प्रकार के मंत्रों से भगवान की स्तुति करते थे, और विशेष प्रकार की औषधियाँ अग्नि में डाली जाती थी, तो उसके प्रभाव से फिर इन्वायरमेंट में बादल बनते थे, बादल बन के बारिश हो जाती थी। तो कितने, इससे ये पता लग रहा है कि साइंस भी कितने ऊंचे स्तर की रही, विज्ञान कितने ऊंचे स्तर का रहा उस समय। और जब वर्षा नहीं चाहिए तब उस प्रकार के विधारक वायु को उत्पन्न करने वाले यज्ञ आदि करते होंगे। तो ये क्योंकि वेद तो कभी अप्रामाणिक नहीं हो सकता है, जब वेद इस बात को कह रहा है निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न औषधय पच्यन्ताम। और औषधियाँ अन्न कैसे हों हमारे, फलवती, हमारी औषधियाँ फलवती होकर के पकें। अभी ऐसा होता है कभी बीज ऐसा डाल दिया कि वो बढ़ गया 5-6 फीट तक पौधा, और उसमें दाने आते ही नहीं है, बीज आता ही नहीं है। और उस समय वेद में जो प्रार्थना की गई है वो कह रहे हैं कि कोई एक बीज बोया है तो वो इतना फलित हो कि एक के हजारों गुना उसमें बीज निकलें। यहाँ भी वही बात कही जा रही है, कोई जल में कोई जलजला नहीं आता था, जब चाहते थे तब बारिश होती थी। न वातजम भयम, वायु भी शुद्ध है, सबका जीवन धार्मिक है, वायु को शुद्ध रखते हैं, पृथ्वी माता को, धरती माता को भी शुद्ध रखते हैं, अग्नि देवता का भी स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं। तो इन महाभूतों के नाराज होने की या प्रकृति के आपदाओं से मिलने वाले दुख की तो बात ही छोड़ें। नापि ज्वर कृतम तथा, किसी को ज्वर आदि रोग भी नहीं आता था,
तो लगता है कि सब गिलोय का काढ़ा पीते होंगे, शायद उस समय खूब लगी होगी अमृतवल्ली। अभी भी जो गिलोय का काढ़ा पीते हैं उनको ज्वर नहीं आता है। तो ये लगभग 40 साल का तो मेरा अनुभव है, जब मैं 6-7 साल की थी तब से लेकर के, तब तो माता जी बताती हैं उसके बाद जैसे जैसे बड़ी हुई, तो मुझे भी याद है सितंबर, अगस्त का लास्ट और सितंबर का फर्स्ट वीक, इन 10-15 दिनों के अंदर मेरे को एक बार जरूर बुखार आता था, फिक्स था। और वो बुखार भी एकदम से, मतलब 103, 104, बहुत ज़्यादा, कोई छू भी ना सके, आता ही था। और वो पतंजलि योगपीठ में आने के बाद भी 1 साल तो आया, फिर जब आया तो महाराज जी ने बताया कि या तो गिलोय घनवट्टी खाओ 1-2 महीने तक। तो वो मैंने 10-15 दिन खाई होंगी, या पता नहीं 20 दिन महीना खाई होगी, एक डिब्बी खाई गिलोय घनवट्टी। उसके बाद मैं थोड़ा सा काढ़ा पीती हूँ सुबह गिलोय का, उसके बाद कभी बुखार नहीं आया। तो उस समय भी शायद ऐसी औषधियों का, प्राकृतिक शाक सब्जियों का सेवन करते होंगे श्री राम के राज्य में। आहार भी हमारा अपने आप में औषधि है। संस्कृत में तो औषधि कहा ही इनको है, गेहूं, जौ, चना आदि, जिनका फल पकने के बाद उनका अंत हो जाता है, उनको औषधि कहते हैं। उसमें भी शांति पाठ में भी हम प्रार्थना करते हैं, देहु शांतिर अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। इनको औषधि कहा है। औषधि मतलब जिनका फल आने के बाद उनका नाश हो जाता है, वो औषधि हैं। और जिनका फल आने के बाद भी उनका नाश नहीं होता है, वो वनस्पति हैं। जैसे आम का पेड़ है, तो फल आने के बाद भी आम को थोड़ी काटते हैं। जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, ये वनस्पतियां हैं। इनसे फल आते हैं तो हम फल खा लेते हैं, पेड़ वैसे ही खड़ा रहता है। लेकिन जो औषधियां हैं उनका फल आने पर और फल पकने पर उनको जड़ से ही काट दिया जाता है, फिर नया गेहूं बोना पड़ेगा। तो आहार ही हमारी औषधि है। और आयुर्वेद में श्रद्धेय आचार्य जी हमें रोज बताते हैं कि जो कुछ हमारी किचन में रखा है, जो मसाले रखे हैं, वो केवल स्वाद को बढ़ाने के लिए, स्वादुपना खाने में लाने के लिए ही मात्र नहीं है, वो सारी की सारी आयुर्वेद की औषधियां हैं। चाहे वो हल्दी है, जीरा है, मेथी है, धनिया है, अजवाइन है, अदरक है, ये सारी औषधियां हैं आयुर्वेद की। तो वो चरक ऋषि ने ऐसे सोचा कि एक तो ऐसा पैकेज बना के मैं घर घर तक पहुंचा दूंगा औषधियों का, कि लोग अपने डेली यूज का जो खाना है उसमें थोड़ा थोड़ा खाएं, डालेंगे ही, और वो स्वस्थ रहेंगे। और उन्होंने ऐसे किया। आज हर घर की किचन में ये 5-7 मसाले तो मिल ही जाते हैं। तो वो वास्तव में वो मसाले किसी टेस्ट को बढ़ाने के लिए नहीं, हमारे यहाँ का आयुर्वेद और मेडिकल साइंस इतना उच्च कोटि का था कि विदेशों में तो जब कभी सब्जी दाल बनाना भी नहीं आता था, आज भी कई जगह नहीं आता है, उस समय हमारे यहाँ इन मसालों का, औषधियों का प्रयोग उस समय किया जाता था, चरक ऋषि के समय से, तब से हम खाते आ रहे हैं। तो जो आहार औषधियों से युक्त होगा और जो आहार सात्विक भाव से बनाया जाएगा, क्योंकि बनाने वाले सब संतुष्ट हैं, और सात्विक भाव से खाया जाएगा, क्योंकि खाने वाले भी सब धार्मिक हैं, सब आरोग्यवान हैं, सब परस्पर प्रमोदित हैं, तो फिर वो आहार ही अपने आप में औषधि, और कुछ औषधि खाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए सारे निरोगी थे, उनको ज्वर भी कभी नहीं आता था, बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ें तो अभी भी की जा सकती हैं प्रकृति को अपने अनुकूल बना करके, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, हम उसका प्रयोग करने वाले हैं। तो हम उसको विकृत करते हैं तो वो क्षुब्ध होकर के फिर हमारे को कष्ट देती है। ऐसे ही शरीर में भी, हम शरीर में डाले जाने वाले आहार और विचार उसमें कहीं गड़बड़ कर देते हैं, या तो खाने में गड़बड़ कर देते हैं, या तो सोचने में, विचार करने में गड़बड़ कर देते हैं, तो प्रज्ञापराध से भी रोग पैदा होते हैं और आहार के दोष से भी रोग पैदा होते हैं।
और आहार किस भाव से और किस रीति से खाया जाता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। आहार भी अच्छा ही है लेकिन खाने की विधि ठीक नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, या खाते समय टीवी देखते हैं, या खाते समय नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी को डांटते हैं, तो फिर वो अच्छा दिखने वाला आहार भी विष बन जाता है फिर। तो ये आहार तो अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है। जब खाना खाते हैं तो एकांत में खाएं, चबा चबा के खाएं, शांत भाव से खाएं, औषधि समझ के खाएं, भगवान का प्रसाद समझ के खाएं, अंदर भी बैठे हुए भगवान को ही भोग लगा रहे हैं, तो फिर वो आहार अपने आप में औषधि बन जाता है। तो ये ऐसा था श्री राम का राज कि वहाँ किसी को ज्वर भी नहीं आता था। न चापि क्षुद भयम तत्र, न तस्कर भयम तथा, किसी को कोई भूख का भय नहीं था कि भी खाना कहाँ से आएगा। भूखमरी बहुत बड़ी समस्या है आज देश की, ज्वलंत समस्या है। अभी लगभग 15-20 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया महाराष्ट्र का, सोलापुर जिले का। तो एक महिला, उसके पति की डेथ हो गई थी, दो बच्चे थे उसके, एक है लगभग 10-12 साल का बच्चा है एक, और एक है 5-6 साल का, लगभग 6 साल का रहा होगा या 7 साल का रहा होगा। और बाहर तो कोई काम अभी मिल नहीं रहा था कोरोना के दौरान, और घर में जो राशन आदि भेजा था वो ख़त्म हो गया, तो अब बच्चों को खिलाएं क्या, बच्चे खाना मांग रहे हैं दोनों टाइम। तो माँ इतनी परेशान हो गई, इतनी जवान सी ही लड़की है वो बहन, मतलब मुश्किल से 30-35 साल की उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतनी मजबूर हो गई कि रात को जब दोनों बच्चे सो रहे थे तो सोए सोए उनके गले में वो फांसी का फंदा डाल दिया और दोनों बच्चों को लटका दिया। टिन का कमरा है वो, मतलब देख के भी वो दृश्य ना, ऐसा रोना आ रहा था मेरे को। और उसके बाद फिर अपनी चुन्नी से वो बना के खुद भी लटक गई। जो टिन के कमरे में जो वो लोहे के एंगल सरिये लगे होते हैं, सुबह जब किसी ने उनके वहाँ जा करके देखा तो तीनों लटक रहे हैं ऐसे छत पे। ये भूखमरी की समस्या है, बाहर जाने नहीं देते ऐसे व्यक्ति की, बेचारे की फरियाद कौन सुने। तो यहाँ कैसा था ये श्री राम का, यहाँ ना किसी को भूख का डर था ना किसी लुटेरे का डर था। तो ये शेष जो श्लोक बचे हैं इन पे फिर हम कल चर्चा करेंगे, और इस वर्णन को सुन करके अपने इतिहास से सीख करके आज भी हम अपने देश को ऐसे ही राम राज्य जैसा राज्य बनाने के लिए सब सहयोग करें, ऐसी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।